नमस्कार एएमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूँ। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सावन के पावन महीने की पहली सोमवारी पर भोलेनाथ के जयकारे से गूंज उठा शहर। सभी शिवालयों में उमड़े शिव भक्तों के भीड़, किया गया भगवान शंकर का जलाभिषेक। मजदूरों के स्थायीकरण की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले झारखंड उद्योग मजदूर यूनियन ने किया टाटा स्टील के मुख्य गेट को जाम। गौ तस्करी तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर में घुस मारपीट करने के मामले में झामुमो कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दायर करने के खिलाफ झामुमो तथा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से निकाली रैली। दो दिन पूर्व कदमा थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में गोली चालन की घटना के विरोध में स्वर्ण व्यवसायियों ने की जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। सावन के पावन महीने की शुरुआत होते ही पहली सोमवारी को लौह नगरी जमशेदपुर शहर भोलेनाथ के जयकारे से गूंज उठा। शहर के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में दिखाई पड़ी। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सभी शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते नजर आ रहे थे। वहीं मंदिरों में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जमशेदपुर में टाटा स्टील के मुख्य गेट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले झारखंड उद्योग मजदूर यूनियन के लोगों ने मुख्य गेट को जमकर जमकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दंडाधिकारी के साथ यहां की गई थी। बिष्टुपुर स्थित टाटा स्टील के मुख्य गेट पर झारखंड उद्योग मजदूर यूनियन कोल्हान शाखा के द्वारा जमकर प्रदर्शन कर मुख्य गेट को 4 घंटे से अधिक समय तक बाधित कर दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां की गई थी। वहीं टाटा स्टील के निजी सुरक्षा कर्मी भी स्थिति को संभालने में लगे हुए थे। वार्ता के बाद कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा 15 दिनों का समय दिया गया है। वहीं प्रदर्शन के संबंध में मीडिया से बात करते हुए संस्था के उपाध्यक्ष अमरीश श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 1980 में 2000 से अधिक ठेका मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें बिना कारण बताओ नोटिस के काम से हटा दिया गया था, जिसका विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन के द्वारा किए जाने के बाद 1600 मजदूरों को स्थायी रूप से कंपनी में वापस ले लिया गया। 1990 से 400 से अधिक मजदूरों के स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सोमवार को इनके द्वारा मुख्य गेट को बाधित कर इन्हें मुआवजा के रूप में राशि देने की मांग की गई, ताकि ये गरीब मजदूर अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। ये आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी रेसिक पटेल एंड कंपनी 1990 में जो निष्कासित है मजदूर, उनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं कि हम लोग को 1990 में कंपनी बाहर की है, 3 एजेंसी को बाहर की थी, 1600 स्थायी करने के बाद हम लोग को बाहर की थी, और आज वो मजदूर आज भी बाहर है। बीच में कंपनी की साठगांठ से एसोसिएशन ऑफ आदिवासी सोसाइटी को लेके एक संगठन संस्था बना के लोग को कंपनी में टेंडर दिया गया, और ये मजदूर आज भी बाहर है। ये मजदूर आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी एस डी पटेल एंड कंपनी के मजदूर हैं। 1990 से कंपनी इनको बाहर निकाल के रखे। सारे मजदूर यहाँ आए हुए हैं, आज पैकेज की मांग है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ा बांधा इलाके में पिछले दिनों गौ तस्करी के मामले तथा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर में घुसकर मारपीट करने के खिलाफ झामुमो जिलाध्यक्ष तथा झामुमो कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दायर किया गया है। इसके खिलाफ झामुमो तथा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से रैली निकाली तथा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
बता दें ये मामला लगभग एक सप्ताह पहले की है, जब उक्त क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष पाल तथा उनके साथियों ने मवेशियों को पकड़कर गौशाले के हवाले कर दिया था। बताया जाता है कि मंडल अध्यक्ष आशीष पाल ने झामुमो जिला अध्यक्ष तथा कई झामुमो कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है कि इनके द्वारा गायों की तस्करी की जाती है और झामुमो जिला अध्यक्ष इसका संचालन करते हैं और गायों को गौशाला में दिए जाने के बाद झामुमो जिला अध्यक्ष ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद स्थानीय थाने में झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन तथा झामुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया गया। झामुमो तथा कांग्रेस पार्टी ने इसे बेबुनियाद बताते हुए इसका विरोध जताया है। इनके द्वारा इसके खिलाफ विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, झामुमो केंद्रीय सचिव मोहन कर्मकार के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। इन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। ये घोड़ा बांधा की केस जो रामदास सोरेन और उसके साथ में हमारे पार्टी समर्थक और कुछ गांव के लोगों के ऊपर में जिस तरह का एक झूठा आरोप आशीष पाल बोल के एक व्यक्ति ने लगाया है, क्योंकि वो घटना कुछ और है और इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रामदास सोरेन को, हमारी पार्टी को और गांव का माहौल को ये बिगाड़ने का काम कुछ राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि इसकी एक कमिटी बना करके निष्पक्ष जाँच हो और दूध का दूध पानी का पानी इसमें एकदम क्लियर करे और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई हो। अभी क्या आश्वासन मिला है? डीसी साहब ने ये आश्वासन हम लोग को दिए कि ठीक है, इस पर हम एक जांच कमेटी बनाएंगे और निष्पक्ष जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
घंटे के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ज्वेलरी शॉप में हुए गोली चालन के खिलाफ स्वर्ण व्यवसायियों ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। बता दें कि विगत 28 जुलाई को कदमा उलियान स्थित महालक्ष्मी ज्वेलरी दुकान में डकैती की नीयत से अपराधियों ने गोली चलाई थी और फिलहाल अभी तक इसके अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। इसके खिलाफ स्वर्ण व्यवसायियों ने जिले के पुलिस कप्तान से मुलाकात कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि सारे व्यवसायी भय के माहौल में जी रहे हैं। आए हुए कदमा में एक स्वर्ण व्यवसायी को 2 दिन पहले डकैती करने के उद्देश्य से अपराधियों ने गोली मारी और उसको जख्मी कर दिया बुरी तरीके से और दुकान में डकैती करके सामान भी ले गए। इससे जितने दुकानदार आए हुए जमशेद ज्वेलर एसोसिएशन के सब में भय का माहौल है कि हम लोग कैसे आगे अपने दुकान को चलाएं, व्यवसाय को चलाएं। हम लोग माननीय SSP साहब के पास में आए थे और आकर सारे दुकानदारों ने अपनी बातें रखी है, जिसमें सबसे मेन है हेलमेट चेकिंग के साथ में हर चेकिंग को सुनिश्चित करना। हेलमेट चेकिंग होता है और अपराधी आराम से चले जाते हैं हेलमेट पहन करके और आर्म्स लगाए रहते हैं। और जैसा पटना से हतप्रभ दुकानदार ने बताया कि जो बड़ा हथियार लेकर आए थे वो कार्बाइन की तरह दिख रहा था, तो इतना बड़ा हथियार लेकर के आराम से अपराधी घूम रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है। जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित सर्कस मैदान से विस्थापित हुए 71 परिवार के लोगों के त्वरित पुनर्वास की मांग को लेकर युवा जदयू ने सोमवार को सांकेतिक धरना दिया, साथ ही जिला प्रशासन से इस पर अविलंब कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। गौरतलब हो कि इस मैदान में 71 परिवार के करीब 400 लोग झोपड़ी नुमा घरों में निवास करते थे और दुकानदारों को दुकान दिए जाने के लिए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया था। तब से लेकर लगातार ये सभी खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। युवा जदयू के द्वारा लगातार आंदोलन के तहत इनके लिए पुनर्वास की मांग की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने इन्हें इंदिरा आवास के तहत घर दिए जाने की बात कही है, लेकिन इन्हें अभी तक इंदिरा आवास प्रदान नहीं किया गया है। इसके खिलाफ युवा जदयू ने सोमवार को सांकेतिक धरना दिया, साथ ही जल्द ही इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं किए जाने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिला प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी तरीके से आंदोलित हो चुके हैं और हम लोग प्रदर्शन को अब बढ़ा रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने गोलमुरी में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। अगर जिला प्रशासन की नींद इस पर भी नहीं खुली तो इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब जिला मुख्यालय से लेकर राजभवन तक हम लोग जाएंगे। जब तक इन गरीबों को पुनर्वास नहीं जिला प्रशासन दे देती है, तब तक जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता चुप नहीं होगा। और ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इनको यहाँ से उजाड़ने के पहले जिला प्रशासन की ओर से ही ये आश्वासन मिला था हम लोगों को कि इन लोगों को इंदिरा आवास बनाकर दिया जाएगा। 71 परिवारों को मुझसे लिस्ट लिया गया था, लेकिन उसके बाद इन लोगों के साथ धोखा किया गया, इन लोगों को दिया नहीं जा रहा इंदिरा आवास। तो फिर मजबूरन हम लोग आंदोलित हुए हैं, हम लोग आंदोलन का रास्ता दिया। सावन की पहली सोमवारी पर जमशेदपुर में शिव भक्तों की भक्ति चरम पर देखी गई। शिव भक्तों ने स्वर्ण रेखा नदी से कलश में जल बोझ कर कचहरी बाबा शिवालय मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई। महिलाएं सर पर कलश लेकर कचहरी बाबा शिवालय पहुंची और वहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महिलाओं ने कहा कि भगवान शिव का जलाभिषेक कर भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की है। भगवान से मांगते हैं कि देश दुनिया सारा मेरा है परिवार सब खुशी से रहे, सुख शांति से रहे, यही कामना कर रहे हैं, यही कामना कर रहे हैं भगवान जी से बोल रहे। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो
और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं को परिवर्तन नामक सामाजिक संस्था द्वारा वर्तमान समय में हो रहे छात्र छात्राओं के शोषण से बचाव को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्रों को इसके बारे में जानकारी देकर इनको जागृत किया गया। वैसे लगातार इस संस्था के द्वारा इस तरह का जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को गुड टच तथा बैड टच की जानकारी दी गई। संस्था के अध्यक्ष के अनुसार अमूमन ये चीजें बच्चों को घर में ही सिखाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जिस कारण से इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आज के जमाने में छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और इसके बारे में जानकारी की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि छात्र अपने साथ हुए शोषण को डर के कारण छुपाते हैं और इससे आगे चलकर विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के कार्यशाला से छात्र छात्राएं इसके प्रति जागरूक होंगे। सोसाइटी में जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, आए दिन छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं, आए दिन छोटी छोटी बच्चियां ही बोल लीजिए कि शिकार हो रही हैं। इसलिए हम छोटे बच्चों को इनअप्रोप्रिएट टचेस के बारे में बताएंगे, मीन्स आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह लीजिए कि गुड टच बैड टच कहिए, और कैसे उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको घरों में बतानी चाहिए, पेरेंट्स को स्टार्ट घर से होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, क्योंकि हमारा परवरिश ऐसा होता है कि इन चीज़ों को बताने में हम झिझक शर्म ये महसूस करते हैं, बच्चे जानते नहीं हैं। इसलिए जब घर में कोई रिश्तेदार या घर से बाहर कोई ऐसा हरकत करता है तो उनको पहले बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ क्यों क्या रहा। बच्चों को इतना डरा के रखा जाता है, घर हो या स्कूल, डिसिप्लिन के नाम पर वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डरे रहते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर नहीं कर पाते हैं। उन सब बातें हम बच्चों को आज यहाँ पे बताने वाले हैं। हाँ जी, हम एक कुछ मिनट्स का वीडियो क्लिप दिखाते हैं बच्चों को, जिससे विजुअल चीज़ें जब सामने होती हैं तो वो वर्ड से ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। बच्चे उसको हम जितना बताते हैं उसको अच्छे से भी वो समझ पाते। जमशेदपुर के टेलको स्थित सुमंत मुनगांवकर स्टेडियम से टाटा मोटर्स के तत्वावधान में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें डेंगू से बचाव, प्लास्टिक मुक्त शहर तथा जल संचय का संदेश स्कूली बच्चों ने आम लोगों को दिया।
ये रैली स्टेडियम परिसर से निकलकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वापस स्टेडियम में आकर समाप्त हुई। इस दौरान 11 स्कूलों से सैकड़ों छात्र छात्राएं, टाटा मोटर्स के पदाधिकारी तथा स्वयंसेवी संस्थानों के लोग रैली में शामिल हुए। इस दौरान इनके द्वारा सभी को जागरूक किया गया। रैली के दौरान कंपनी के पदाधिकारियों ने कहा कि बरसात के दिनों में डेंगू से बचाव सबसे जरूरी है, साथ ही शहर को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाने की आवश्यकता भी है। वहीं उन्होंने कहा कि जल की समस्या ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जा रही है, जो गंभीर विषय है और जल का संचय ही इसका एकमात्र उपाय है। इन तीनों विषयों पर लोगों को जागरूक करने हेतु इस जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। टेलको एरिया में हम लोग ने आज अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें एम्प्लॉई वॉलंटियर्स और स्कूल के बच्चे, CSR टीम और हमारा टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो बेसिक चीज़ें, तीन चीज़ें जो आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे पहला है हम लोग को डेंगू से बचाओ। उसमें हम लोगों ने लोगों को जागरूक करेंगे सभी पूरे टेलको वासियों को कि किस तरह से डेंगू से बचाव करना है और डेंगू के क्या क्या लक्षण हैं। उसके बाद हम लोग का जो मुख्य मुद्दा आजकल पूरे इंडिया में जो है, बीच प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और कचरा को कैसे अलग अलग सेग्रीगेट करके दें। तीसरा है वाटर सेविंग, जो हमें पता है कि वाटर कितना प्रीसियस है। जो गांव इलाके में रहते हैं जहां पे पानी की कमी है, वहां पे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी दिक्कत होती है। उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे कि पानी का कैसे बचाव करें। सर, आज कितने स्कूलों ने भाग लिया इसमें? आज टोटल हम लोग के 11 स्कूल के बच्चे, 550 बच्चे हैं, लगभग 100 वॉलंटियर्स इसमें। लोग आज क्या करेंगे, लोग क्षेत्र में जाकर? हर क्षेत्र में जाकर करके हम लोग लगभग 8 जोन में बांटा है पूरे टेलको कॉलोनी को, और हर घर में लोग जाएंगे। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे, तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें, 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र की रहने वाली ज्योति साहू तथा उनके पूरे परिवार को स्थानीय दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों दबंगों ने इनकी पिटाई तक कर डाली। सोमवार को उन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है।
बताया जाता है कि क्षेत्र के निवासी सुजीत सिंह तथा प्रवीण सिंह उर्फ साधु के द्वारा क्षेत्र में शराब की भट्टी का संचालन किया जाता था, जिसे ज्योति साहू की अगुवाई में महिलाओं ने बंद करवा दिया था। उसी के बाद से लगातार इन दबंगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। दो दिनों पूर्व इन दबंगों ने 15 उपद्रवियों के साथ ज्योति साहू के घर पर धावा बोल दिया और घर में हथियार के साथ सभी लोगों की पिटाई कर डाली। इन्होंने कहा कि इनके घर में अधिकतर लोग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और इनके घर में अनुपस्थित रहने के समय दबंगों ने इनके आंगन को भी घेरने का प्रयास किया। स्थानीय थाने में लिखित शिकायत देने के बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पहले हम लोग उसका दारू भट्टी बंद करवाए, अब क्या किया, वो दारू भट्टी को खरीद लिया है। अब खरीद के उसको मैंने, अब हम लोग को बोल रहा है कि हमको रास्ता चाहिए जो मेरे दरवाजा खिड़की के बगल से, और वहाँ पे एनी टाइम अड्डाबाजी होता है जिसका हम हमेशा कंप्लेन करते हैं। यही सब चिड़ से वो अभी इतना परेशान किया हुआ 4-5 साल से, और अभी ये कल का बात है। कल हम लोग मना किए कि हम लोग इधर को नहीं छुओ, अगर तुमको जो भी हमको पेपर ला के दो, अगर कुछ भी करना है तो। इसी में वो क्या क्या इन लोग का पूरा सेटिंग था ना, क्या पता नहीं, सुजीत सिंह हाथ में तलवार लेके, साधु अपना 15 गुंडा लोग के साथ में हॉकी बैट उठ लेके पूरा ड्रिंक करके इन लोग सब अचानक से, हम लोग लेडीज लोग सब खड़े थे, हस्बैंड का कॉलर पकड़ के जैसे ही खींचा तो हम लोग सब दौड़े, इनका गला में तलवार लगाने जा रहा था तो खींच के अपना साइड लाए, और हम लोग लेडीज लोग आगे हुए, लेडीज लोग को इतना गंदा गाली जो कि हम बयान नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है कि वो हम लेडीज लोग को इतना गंदा तरीका से हाथ लगाया। हम लोग थाना गए, थाना रिपोर्ट नहीं ले रही है हम लोग का, मैंने आती है थाना गाड़ी और जाके सीधा उन लोग के घर में बैठती है, क्या बात करती है भगवान जाने। हम लोग इतना परेशान, और ये सुजीत सिंह अभी हम एसपी डीएसपी दोनों से मिलेंगे और डीसी से, और सुजीत सिंह जो उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए। देश की जानी मानी संस्था लायंस क्लब के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां संस्था से जुड़े सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। वैसे ये सेमिनार मिजल्स एवं रुबेला टीकाकरण के लिए आयोजित किया गया था। संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि ये टीकाकरण बच्चों के लिए कितना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संस्था आगे चलकर और इससे जुड़े अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर शहर के सभी स्कूलों में ये टीकाकरण कैंपेन चलाएगी और बच्चों को इस टीकाकरण का महत्व ही बताएगी। मिजल से रुबेला में पूरा राष्ट्र और मेरा राज्य लगा हुआ है, तो पूरे गवर्नमेंट की तरफ से लायंस क्लब को उसका पार्टनर बनाया गया है, और हमारे एक एक मेंबर्स इसके लिए डेडिकेटेड हैं, स्कूलों से संपर्क करते हैं। जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ जमशेदपुर में, हमारे डिफरेंट क्लब्स के जो भी मेंबर्स हैं, हम लोग उनके प्रिंसिपल के, वहाँ की कमेटी के संपर्क में आते हैं, बच्चों की संख्या ज्ञात करते हैं हम लोग, उसके बाद वहाँ टीकाकरण कैसे हो, उस सरकारी मशीनरीज के साथ हमारे लायंस क्लब की एक एक मेंबर्स कार्यकर्ता जुड़ करके, और इसकी हेड है हमारी कंचन सिंह डी जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा लायंस क्लब डेडिकेटेड होकर काम कर रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।